अस्सलाम वालेकुम, आई समी किचन में आपका स्वागत है। आज हम पालक चिकन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने दो प्याज की डली ली है। इसकी ग्रेवी के लिए मैंने काजू लिए हैं, 12-15 काजू हैं। 2 टीस्पून हमने वाइट मिर्ची लिए, वाइट पेपर। 2 बड़ी इलायची लिए, 1 टीस्पून हमने काली मिर्ची लिए। थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 6-7 हमने लौंग लिए। अब हम ये सब मसाले पीस लेंगे। देखिए, हमने मसाले सारे पीस लिए, प्याज भी पीस लिए। घी हमारा मेल्ट हो गया है, आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम उसमें जीरा डालेंगे। दो टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट किया। प्याज डाल देंगे, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज के साथ साथ हमारा चिकन भी फ्राई हो जाएगा। अब हम जो है सारे मसाले डाल देते हैं। हमने सारे मसाले डाल दिए, हम इसमें 1 क्यूब भी डाल देंगे। देखिए मसाले इसमें अच्छे मिक्स हो गए। अब हम इसे भुनाई करेंगे अच्छी तरह 5 मिनट तक। हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसकी अच्छी भुनाई करते जाएंगे। देखिए, अब हमारा इस नीचे से पकना बंद हो गया। अब इसको हम 5 मिनट के लिए और कवर करके रख देंगे। एक चिकन क्यूब और हम इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए, हमारा चिकन भी गल चुका है और भुनाई भी इसकी अच्छी हो गई। हमारा चिकन हो गया, अब हम इसमें दूध डाल देंगे। 1.5 कप हम डालेंगे। रूम टेम्परेचर के हिसाब से हमने दूध लिया है। बनाना 1.5 कप लिया हमने दूध। और इसमें बॉईल आ जाए फिर हम इसमें पालक डालें। अब हम इसको 7-8 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। मुजफ्फर कप हमने 2 टीस्पून हमने क्रीम भी डाल दिया इसमें, घर की मलाई। इसमें बॉईल आ गया,
हम इसमें पालक डालेंगे। देखिए तैयार हो चुकी है हमारा पालक चिकन, क्रीमी पालक चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए हमने डिश आउट कर लिया। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, रेस्टोरेंट स्टाइल में जो हमने बनाया पसंद आए, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में शामिल करें। और हमने इसको मलाई से ऊपर गार्निश कर लिए। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।